दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। सर्वप्रथम यहाँ माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, उनके साथ उपस्थित इस सभागार में सभी गुरुजन एवं छात्र, उनके आए हुए अभिभावक, मैं आप लोगों का अभिनंदन करते हुए या सूचना देना चाहता हूँ कि या बताना चाहता हूँ कि एक न्यायाधीश के लिए सबसे कठिन काम होता है शब्दों के द्वारा बोलना, किसी स्टेज पर बोलना, क्योंकि ज़्यादातर काम उनका कलम से लिखने में जाता है। सुजीत बाबू यानी भास्कर के जो यहाँ स्थानीय संपादक है, उन्होंने आग्रह किया, उनका ठीक है इस कार्यक्रम में हम आएंगे, लेकिन अपनी मेरी एक शर्त होगी कि कुछ व्यवस्था पर कुछ इतर जाके भी इस विषय से मेरे बोलने की स्वतंत्रता होगी, समान तभी सही अर्थों में सार्थक होगा। हम लोग जिस परंपरा, जिस संस्कृति से संबंध रखते हैं, कहीं न कहीं नित्य आए दिन वह छीन होती जा रही है। जो हमारी परंपरा थी, जिस वैदिक वाक्य से शुरू होता था, अस्तो मा सर्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यु मा अमृतगम्या, वह कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है। अभी माननीय विधायक जी से बगल में बैठे हुए थे, हमने शिक्षक का महोदय का उनका परिचय पूछा, उन्होंने कहा कि केएसटी कॉलेज के हैं। मैं केएसटी कॉलेज के छात्रों से जब मिलता हूँ तो उनकी जो पढ़ाई की स्थिति है वो इतनी दयनीय है, मैं उनके समक्ष एक कठोर टिप्पणी करना चाहूंगा कि उनके इस कॉलेज के छात्र राष्ट्रगान तक मुझे नहीं सुना पाते हैं जो बीए पार्ट वन पार्ट टू में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरती जा रही है, और नैतिक मूल्यों की तो बात अलग है। जो हमारे प्रोफेशनल कोचिंग चलाने वाले डायरेक्टर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, मैं प्रति साल 2000 विद्यार्थियों से मिलता हूँ और 42 थाना ओबी सहित इस जिले में है अभी तक, और किसी न किसी गांव से सभी बच्चे से मैं मिल चुका हूँ। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि टीचर भी आके प्रॉब्लम सॉल्व करने के नाम पर बच्चों से मोबाइल नंबर लेते हैं और फिर वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनकी नैतिकता जाने। ये गिरावट आई है शिक्षा व्यवस्था में। हम किस संस्कृति से, हमारा संस्कृति ये जाना जाता था रामायण काल में भी, गुरु गुरु गृह पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सहाई, जिस भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता था कि जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, सो हरि पढ़ या कौतुक भारी, जिसके श्वास से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं, इससे बड़ा विनोद की बात क्या हो सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने आचरण में दिखाया कि अगर मैं भी मनुष्य रूप में अवतार लिया हूं तो मुझे भी गुरु को जाकर पढ़ना होगा, शिक्षा के लिए उद्यम करना होगा, प्रयत्न करना होगा। हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके अपना पठन पाठन किए थे। गुरु द्रोण भी देखे होंगे कि राजकुमार कौरव पांडव सबको सिखाए, एक उनके बारे में कहा जाता है कि एकलव्य से उन्होंने अंगूठा ले लिया, निजी जाति का छात्र था, गुरु द्रोण ब्राह्मण थे। मैं सत्यचिंता में यह कहानी बाद में गढ़ी गई है कि वो निजी जाति का था इसलिए अंगूठा ले लिए। सभी लोग यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मैं एकदम खुले मन से चैलेंज करता हूँ कि आधुनिक जो तीरंदाजी हो रही है, विश्व प्रतियोगिता हो रही है, आप लोग सब लोग दीपिका जो हमारे यहाँ से तीरंदाज जाते हैं ओलंपिक में, किसी भी तीरंदाजी में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, तो एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक माना जाता है। गुरु द्रोण ने वो शिक्षा दी कि बिना अंगूठे के तीर चलाओगे तो ज्यादा सफल होगे, और आधुनिक तीरंदाजी में ओलंपिक में कहीं भी कोई भी तीरंदाज अपने अंगूठे का प्रयोग करके बार नहीं छोड़ता है, केवल तर्जनी और अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु परंपरा ये थी कि गुरु जो मांगे, लेकिन गुरु अपना त्याग अपना सर्वस्व इच्छा करके अपने शिष्यों को सिखाते थे। अश्वत्थामा से भी ज्यादा गुरु द्रोण ने अर्जुन को सिखाने का काम किया है। लेकिन हमारे छात्र में भी गिरावट आई है। पहले अगर
गांव के स्कूलों में मास्टर साहब निकल जाते थे, तो कितना भी उदंड छात्र हो अगर गलत काम कर रहा हो तो किनारे हो जाता था, किसी मास्टर साहब की कोई इज्जत होती ना थे। लेकिन अगर अभी टीचर शिकायत कर दे तो पहले तो बच्चा ही मरम्मत उनका कर दे, फिर गार्जियन उनको जो करेगा सो करेगा ही। खुद अभिभावक वकील बन गए हैं बच्चों का, इसीलिए सभी जगह हम देख रहे हैं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। और गुरु गुरु तो हमारी परंपरा में है कि दुश्मन के लड़के को भी पढ़ाने का काम किया है। शायद आप लोग जानते होंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। जितने भी देवता लोग युद्ध में राक्षस को मारते थे, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर देते थे। बृहस्पति अपने पुत्र कच्छ को गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जब कच्छ पहुंचते हैं तो सब लोग विरोध करते हैं, क्या रे तो देवताओं की तरफ से आया है, अगर संजीवनी विद्या ये सीख लिया तो अब देवता लोग भी जिंदा होने लगेंगे, गुरुदेव इसे मत सिखाइए। शुक्राचार्य इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं, यह शिष्य बनकर मेरे पास आया है और विद्यादान के लिए अगर मेरे पास आया है तो शत्रु का ही पुत्र क्यों नहीं हो, मैं विद्यादान से इसे वंचित नहीं करूंगा। और कच्छ को उन्होंने संजीवनी विद्या सिखलाई। तो हम इस परंपरा के लोग हैं, आप थोड़ा सा आइए मध्यकाल में, शायद हो सकता है शाहजहां के दरबार कवि थे या जहांगीर का सब्जेक्ट करेक्शन है, पंडित राज जगन्नाथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके दरबारी कवि थे जो शाहजहां के पुत्र को वो संस्कृत विद्या सिखाते थे। दारा सिंह को संस्कृत सिखाने का उन्हीं को योगदान माना जा सकता है, जिन्होंने फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था उन्हीं के शासनकाल में। तो पंडित राज जगन्नाथ जब सिखा रहे थे तो एक गुरु की क्या हिम्मत होती है, गुरु दक्षिणा मुगल शासक कहता है कि गुरु दक्षिणा में आप क्या लेंगे, पंडित राज जगन्नाथ पूरे दरबार में बोलते हैं न जाचे गजाली न वावाली राजम न विद्य सुचितम कदाचित मह्यम इदम सुस्तनी मस्तक न्यस्त हस्ता लवंगी कुरंगी विभंगी करोति। ये विद्वान होने का अपने आप में, ये शिक्षक का अपने आप में ये गुरु था कि हम कुछ भी अगर मांगेंगे, अगर विद्या दान किए हैं तो ये राजा हमको जरूर प्रदान करेंगे। तो गुरु का अपना एक विशाल और वो अहमद दारा थी, जैसा कि अभी भयंकर बता रहे थे कि कितना भी वर्णन करो गुरु की महिमा का वो कम नहीं हो सकता है। इसी को संस्कृत में कहा भी गया है, हालांकि भगवान शंकर की स्तुति आ रही वो गुरु पे सटीक बैठती है कि असित गिरी समन श्यात गजलन सिंधु पात्रे सूर्य तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्मी लिखित अद्वार शारदा सर्वकालम तलपित गुणानिनी संपारण आदि। अर्थात सारे समुद्र के पानी को अगर रसोई बना लिया जाए और सारे इस धरती के पेड़ को अगर कलम बना दिया जाए, लेखनी बना दिया जाए, तब भी गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता है। ये हमारी परंपरा है। लेकिन दोनों जगह अभी आए हुए देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में नैतिकता की इतनी कमी है। मैं कठोर टिप्पणी करना चाहूंगा, अगर इस सत्य हो तो सभा के दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। आपके बच्चे घर में जाते हैं और किसी लड़की से स्कूल में छेड़खानी की बात होती है तो आप उसको दूर करने के बजाय आप पक्ष लेने लगते हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा किया ही नहीं होगा। अगर हम में अपनी नैतिकता में सुधार ले, अगर इस तरह का कंप्लेन आता है ध्यान दे तो आ जाए कि निर्भया विद्या दामिनी दिशा ये सब घटनाएं नहीं होंगी, बहुत सारी समस्या दूर हो सकती है अगर ये कर ले। इसी पर कवि ने लिखा है, हम देख रहे हैं कि हमारे सुजीत बाबू बार बार घड़ी देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपको समय की पीड़ा है, मेरी हृदय की पीड़ा है, इसको समझने का काम कीजिए। मैं बस एक कविता के माध्यम से इस सभा को छोड़े जाता हूं कि आप लोग अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। गुरु अगर कुछ कहते हैं तो गुरु को भी हम ये कह रहे हैं कि पहले आप भी अपने अभी वर्तमान सामाजिक मूल्यों में थोड़ा सा अपने आप को ढालिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए कि किस तरह की शिक्षा में आप रोबोट तैयार मत कीजिए, मशीन तैयार मत कीजिए, एक संस्कारी बच्चा तैयार करके इस समाज को दीजिए। केवल आपसी कंपटीशन में कि मेरा कोचिंग ज्यादा चले, मेरा कोचिंग ज्यादा चले, इस तरह से नहीं,
आप 10 ही बच्चे को सक्सेस निकालिए, लेकिन वो समाज के लिए एक उपहार साबित हो ऐसा निकालिए। एक कवि की जो रचना है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे, उसको मैं पढ़ के बस अपनी वाणी को विराम दूंगा कि छोड़ो मेहरी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिछाए बैठे सपनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम, बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गुंगा बहरा भी है, वोट सी दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।